हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो अल्टीमेटली आज के दिन जितने भी बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन हैं और साथ में अलग अलग बैंक यूनियन हैं, इन्होंने ट्विटर पर अपना प्रोटेस्ट किया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और ट्रेंडिंग भी आया कि बैंक बचाओ देश बचाओ और जो बैंकिंग स्ट्राइक है, बैंक प्राइवेटाइजेशन है, ऐसे हैशटैग तमाम ट्रेंड हुए। अब आपको बताना चाहूँगा कि इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ करिए कि गवर्नमेंट है, उसको एटलीस्ट पता तो चलता है कि उसका एक डिसीजन वो कितने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई अगर आप ये सोचोगे कि कोई इसका फ़ायदा नहीं है या फिर हम क्यों किसी भी हैशटैग में पार्टिसिपेट करें या फिर कोई भी विरोध हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट इससे आपकी बात आगे बढ़ी होगी और आगे फर्दर और भी इस तरीके से आपने देखा कि 15, 16, 17, 18 इस दिन जो बैंकिंग स्ट्राइक है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। GIC कर रहा है, LIC भी कर रहा है और जो बैंक के एम्प्लॉय हैं ये भी अपनी अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं। बाकी आगे फर्दर अगर कोई अपडेट होगा आप सभी को बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट रहा है और जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और उन्होंने इसके बारे में लोगों को पहले ही इंटीमेट किया था और आज के दिन 9 मार्च को ये ट्रेंड करा है।